अभी जो आप देख रहे हैं ये फाइनल डे रिहर्सल की फुटेज देख रहे हैं। ये वो दिन होता है जो इवेंट से पहले रखा जाता है ताकि इवेंट वाले दिन हर चीज़ को बच्चे प्रॉपरली प्रोड्यूस कर सकें। तो ये एग्जीबिशन के कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए थे, तो ये अभी वहाँ के प्रिंसिपल साहब को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था एक बच्चे का वहाँ पे, जिसने क्या कहते हैं अपने कॉलेज ड्रेस में एक QR कोड सिस्टम लगाया था जो कैमरे के सामने जाने पे उस बच्चे की डिटेल और प्रेजेंट वगैरह लगाने में इस्तेमाल होती। फाइनली ये वो जगह है जहाँ पे सारी पेंटिंग्स एग्जीबिशन के लिए लगाई जानी थी, तो FDR में ये प्रिंसिपल सर अभी उसी को देखने के लिए आए हैं, जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन है जिसमें बच्चे प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे अपनी पेंटिंग के बारे में कि उन्होंने वो चीज़ कैसे बनाई। और ये हमारा इवेंट डे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जो मोस्ट प्रोबेबली मेरा लास्ट डे भी था कैडेट कॉलेज में। तो आपका भाई ब्लैक शलवार कमीज़, ब्लैक पेशावरी चप्पल और क्रीमी शॉल पहन के उस दिन गया था इवेंट अटेंड करने। तो अभी आप लोग कुछ कैडेट कॉलेज के इंटीरियर का सिनेमैटिक्स देखें और उसको एंजॉय करें। पाकिस्तान के चीफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद नियाजी सर तशरीफ़ ला रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का जायज़ा लिया, जिसमें एक बच्चा उनको अभी ड्रोन की डेमोंस्ट्रेशन दे रहा है। आप लोगों के लिए यहाँ से आर्ट एग्जीबिशन की एक छोटी सी क्लिप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे उड़माड़ा का पूरा ट्रिप का जो भी व्लॉग था वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे फीडबैक दें कि मैं अपने व्लॉग को और अच्छा कैसे बनाऊँ।
अशरफी आर्टवर्क्स को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।